3, 2, 1. Assalamualaikum. This is Amina Shah and you're watching Dare to Dream at ACB. Today we're going to talk about how to celebrate your own being. आपको जिंदगी में बहुत दफा ये सुनने को मिला होगा कि just be yourself. Maybe आपके टीचर ने कहा होगा, maybe your friends tell you that, maybe your spouses tell you that. Just be yourself. But what exactly does that mean? इसका मतलब है a person should celebrate their own being. आप अपनी existence को, अपने आप को जैसे हैं वैसे accept कीजिए. सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम दूसरों को प्रूव करते रहते हैं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं. बट वी डू नॉट टेक टाइम आउट टू फिगर इट आउट आर सेल्व इवन इफ यू आर लाइक मोस्ट पीपल 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट किस तरीके से हम बेहतर हो सकते थे अगर हम कुछ चेंजेस अपने अंदर लेकर आ जाएँ, अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आ जाएँ. आई नो दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट चेंजेस बट दीज चेंजेस आर प्रैक्टिकल चेंजेस जो कि आपने अपने स्ट्रैटेजी के अंदर, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर लेकर आनी है ताकि अपना फ्यूचर बेटर कर सकें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉट टू सेलिब्रेट योर सेल्फ. जो आप हैं, जो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं, जो स्किल सेट आपके पास मौजूद है, जिस तरह आप दिखते हैं, अ पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट. सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू लिव विद योर सेल्फ एंड हाउ टू बी हैप्पी. So the first thing that I'm going to talk about is be happy with what you are. आप जहाँ हैं, जो हैं, उसके ऊपर relax रहें. This is what you've achieved in so many years of your life. आपने कितनी मेहनत की होगी यहाँ पर पहुँचने के लिए, कितने लोगों ने आपको support किया होगा, कितने मुश्किल tough times आपने देखे होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए. Be proud of that and be relaxed on what you are today. Change लाने का ये मतलब नहीं कि हम अपने past से unsatisfied रहें, इस बात से स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं जो हम पहले कर चुके, बल्कि हमें मूव ऑन करना है. ठीक है, आपने दो दिन एक्सरसाइज छोड़ दी, डू द एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 3 days सो दैट यू कैन फॉर्म अ हैबिट. मूव ऑन, बी हैप्पी एट द मोमेंट. द सेकेंड पॉइंट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे इज हाउ यू शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट प्लीजिंग अदर्स. मेरे ऑफिस में एक न्यू इंटर्न ने ज्वाइन किया और मुझसे फर्स्ट टाइम जब उसने इंगेज किया, जब बातचीत की, तो उसने मुझे बताया कि शी वॉन्टेड टू बी सम trainer, she wanted to go into psychological training and help people, you know, grow. Maine usse pucha ki wo kya studies kari hai and she told me that she was pursuing medical studies. Wahi wali baat hai ki apni mother ki khushi ke liye, because she is a doctor and unke bhai ne mana kar diya tha ki wo doctor nahi banenge, engineer banenge, she had to sacrifice her own dreams because of her mother. In my programs I always tell you that you should first start pleasing yourself. You should know what you like. You should adopt to what you feel like doing. Because agar aap wo adopt nahi karenge aur agar aap dusron ko please karte rahenge, to there will eventually come a time jahan par aap utterly unsatisfied ho jayenge. You will be stressed out. Aap motivated nahi rahenge. Aapka dil chahega ki aap duniya ki har cheez quit kar dein and you feel like whatever you do is useless. People who love you, people who support you in your family will always be happy to find out जो कि आप करते हैं वो आप कर रहे हैं. I know कि parents जो हैं वो pressure देते हैं, I know कि आपके दोस्त आपको कुछ चीज़ों को adopt करने के pressure देते हैं, लेकिन at the end of the day, if you are not feeling happy, if you are not feeling fulfilled, then you should not do it. This is the point two of how you should be happy and live a proper life. I know कि there are a lot of tips available on the internet where you can build your confidence. लेकिन आप कॉन्फिडेंस उसी वक्त बिल्ड कर सकेंगे व्हेन यू नो हु यू आर. डिड यू फाइंड टाइम फॉर अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर आपको पता हो कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट आर द ट्रू स्किल सेट दैट आई हैव. आई नो सम पीपल एस्पायर टू बी अ गुड स्पीकर, सम पीपल एस्पायर टू बी अ गुड राइटर और अ पेंटर और समबडी दैट दे रियली लुक अप टू. लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और तभी आप अपने जो भी प्रोजेक्ट उठाएंगे या जो भी चीज़ अटेम्प्ट करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे. द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज़ टू फॉरगिव योर सेल्फ. येस दैट्स राइट, यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ फॉर दैट फेलियर दैट यू एक्सपीरियंस. यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ फॉर बींग बैड टू समवन. यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ कि अगर आपने कोई आपसे कुछ मांग रहा था एंड यू डिड नॉट हेल्प द पर्सन, फॉरगिव योरसेल्फ. लाइफ ऑलवेज ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ अहेड. बहुत सारे और मामलात आएंगे जहां पर आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप अपना रिग्रेट अपने साथ लेके चलेंगे तो देयर इवेंचुअली बी अ टाइम जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे. टू बी हैप्पी यू हैव टू लेट गो एंड फॉरगिव फर्स्ट योर सेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू फॉरगिव अदर्स. सो विद दीज स्टेप्स यू कैन लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ. रिमेंबर, I believe in you and it's about time you started believing in yourself. My program is all about how to create a better you. So stay tuned and watch all my episodes. Allah Hafiz. Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos.